हाय मैं हूँ रुद्रा, मेरा हर एपिसोड जियो सिनेमा पर एंजॉय करो, वो भी फ्री में। फिशिंग का प्लान बना के बहुत अच्छा किया। हम सिंपल फिशिंग कर कर के बोर हो गए थे। मैग्नेट फिशिंग का एक अलग ही एक्साइटमेंट है। धीरे धीरे डोर को वापस खींचो तो रास्ते में जो भी मटके का सामान होगा हमारे मैग्नेट में फंस के बाहर आ जाएगा। देखते हैं किसकी किस्मत में क्या है। कुछ तो अटका हुआ है, खींचने में दम लग रहा है। अरे कर भला तो हो भला, इसमें कोई खजाना होगा, जल्दी खोलो। सिंड्रेला की एक सैंडल यहाँ है, जल्दी से दूसरी ढूंढो। मायरा इसे लेकर तुम भी सिंड्रेला की तरह अपने प्रिंस की पार्टी में जाना। देखना मैं अपने मैजिक से इसे नया कर दूंगी और फिर इसका एक और पैर बनाकर इसको पहनूंगी। जंतर मंतर काली कलंतर। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गई। मायरा इसे हटाओ। अब देखते हैं मेरी किस्मत में क्या है। ये तो पुराने जमाने की किसी राजा की तलवार लगती है, पर हमारे किसी काम की नहीं। मैं इसे मैजिक से नया कर देती हूँ। नहीं, सैंडल से तो बच गया था, तलवार के वार से नहीं बचूंगा। अब मेरी बारी। इसे कहीं छुपा के खोलूंगा, कहीं अंदर जूते निकले तो मेरा मजाक बन जाएगा और खजाना निकला तो सब मेरा। हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यही सही टाइम है बॉक्स को खोलने का। खुल जा खुल जा। भागो। थैंक यू। अरे कर भला तो हो भला, तुम क्या चीज हो, इंसान हो या फिर। I am Magna Man. मुझे सर मैजिस्टिको ने कई साल पहले इस बॉक्स में कैद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया, थैंक यू दोस्त। तुम इंसान नहीं हो। नहीं हो रुद्र। दादाजी दादाजी रुद्र। कौन हो तुम? पहचानो मुझे, जय सिंह चौहान, पहचानो। पहचानो मुझे जय सिंह। मैग्ना मैन तुम यहाँ? दुनिया के हर मेटल पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए सर मैजिस्टिको ने तुम्हें कैद कर दिया था। मेरे दादाजी को ऐसे बांधने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इबाइस का सकुम पुष्टुम। उम्र में छोटे हो पर बहादुर दिखते हो। फिलहाल मुझे अपने दादाजी से बात करने दो। जय सिंह चौहान, अपनी याददाश्त को दुरुस्त करो और मुझे याद करो। कुछ याद आया कि मैं अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन दूं? सर मैजिस्टिको ने तुम्हें कैद करके नदी में फेंक दिया था, तुम खुद तो बाहर आ नहीं सकते थे,
किसने तुम्हारी मदद की? बताऊंगा, बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन पहले चलकर सर मैजेस्टिको को सरप्राइज विजिट देते हैं। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन दादाजी को आजाद करो। मैंने तुम्हें कैद से निकाला है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। ओ, मैं तो डर गया। मेरे मास्टर, मेरे बॉस। जब जय सिंह मेरे बस में है तो तुम क्या चीज हो? मैं मैजिशियन मैग्नामैन हूँ, कोई जिन नहीं। जब तुम्हारी बात मानो, अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। नाम है मेरा मैग्नामैन, जिसका चाहू छीन लूं सुखचैन। अब बारी है तुम्हारी। मैग्नामैन बंद करो ये सब, नहीं तो। ओहो, यहाँ तो छोटे भी किसी से कम नहीं। क्या करोगे तुम? हाँ, जरा खुद को देखो और मुझे देखो। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मैं मैग्नामैन हूँ, मैग्नामैन। जंतर मंतर काले कलंतर छू। ये क्या किया मायरा? मायरा, कभी तो मुझे बख्श दिया करो। किसने महल में कोहराम मचा रखा है? कौन हो तुम? तुम्हारे हथियार तो बड़े सुंदर हैं, पर तुम पर ज्यादा सूट करेंगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, चार बर्तन होंगे तो आपस में तो टकराएंगे। लो, अब निपटो इनसे। रुद्र, तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी बहादुर हो, पर अभी मेरी मंजिल तुम नहीं, कोई और है। सर मैजिस्टिको से मुझे मिले जमाना बीत गया, उन्हें सरप्राइज विजिट देने का वक्त आ गया है। चलें जय सिंह। दादाजी नहीं, हमें कुछ करना होगा। सर मैजिस्टिको, आप कहाँ हैं? जल्दी सामने आइए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं रुद्रा। सन सिटी में मैग्नामैन नाम का एक मैजिशियन आ गया है और वो दादाजी को कैद करके आपके पास गया है। सर मैजिस्टिको। रुद्रा, किसको बुला रहे हो? तुम सर मैजिस्टिको से मिलना चाहते हो? आओ मिलो। मैग्नामैन, धोखे से सर मैजिस्टिको और दादाजी को कैद करके इतना खुश मत हो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उनको खोल दो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। रुद्रा, उम्र छोटी और बातें बड़ी बड़ी। हिम्मत तो बहुत है, पर जब टेढ़ी उंगली से काम बन रहा है तो उंगली सीधी करने की क्या जरूरत है? नाम है मेरा मैग्नामैन, जिसका चाहूं छीन लूं सुखचैन। अब बारी है तुम्हारी। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत की आजमाइश करने। तुम्हारा पैलेस मुझे भा गया है। So come on, get ready for my welcome. Bye bye. मैग्नामैन, अब क्या करें रुद्रा? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैग्नामैन किसी भी वक्त पैलेस में आ सकता है। हमें उसका सामना करने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। कोई मेरे बारे में भी तो सोचो, मुझे बाहर निकालो। ये तो रंगीला की आवाज है। चिंगली, बॉक्स नीचे रखिए। इबाइस का नॉर्मलिस्टिको। इबाइस का नॉर्मलिस्टिको। अरे कर भला तो हो भला। रुद्रा, तू
तुम्हारा जादू भी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं अब हमेशा ऐसे ही रहूंगा। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी रुद्रा, सॉरी, मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए। रंगीला, खुद को दोष देने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका। दादाजी हमेशा कहते हैं, मुसीबत के समय हिम्मत, अकल और सूझबूझ से काम लो। हमें मैग्ना मैन से निपटने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। आप मेरी पॉकेट में आ जाइए। अरे अरे, मैं रंगीला हूँ। रुद्रा, इन्हें समझाओ ना। रंगीला, आप, सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं। आ जाइए। चुंगली, जल्दी से मेन गेट बंद कर दीजिए। एक बार अंदर से मेन गेट बंद हो गया तो बाहर से कोई भी नहीं आ पाएगा। सही कह रहे हो रुद्रा, अभी करता हूँ। ये क्या, गेट बंद है? इन लोगों को मेहमान का स्वागत करना भी नहीं आता। आइग्ना मैग्ना मैग्नेट डोर प्लेटो। इतना बड़ा पैलेस और मेरे स्वागत के लिए कोई भी नहीं आया है। मैग्ना मैन से डायरेक्ट फाइट करने में कोई समझदारी नहीं है। इसको हराने के लिए हमें दिमाग से काम करना पड़ेगा। चुंगली, सुनिए। कहाँ छुप कर बैठे हो साहब? जल्दी सामने आओ, मैग्ना मैन आया है। हम यही है। आपके स्वागत की तैयारी कैसे करते हैं? महल में चाय नाश्ता बनाने का काम तो इसका है ना? इसको तो आपने छोटा बना दिया। पहले आप इसको ठीक कर दो, फिर हम आपकी भरपूर खातिरदारी करेंगे। वो तो मैं इसकी फिरकी ले रहा था। इसको मेरा आका बनने का शौक जो चढ़ा था। लो, अभी ठीक कर देता हूँ। थैंक यू मेरे आका। समझदार लगते हो। बाला बदलते तुम्हें देर नहीं लगी। अब जाओ और मेरे लिए बढ़िया खाना बना कर लाओ। मैं बहुत थका हूँ। इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर जो आ रहा हूँ। अरे चिल्ली, पूरे किचन में कहीं पानी नहीं है। मैग्ना मैन, हमारे किचन में पता नहीं कैसे पानी की एक बूंद तक नहीं है। बिन पानी सब सूना है, चाय नाश्ता कैसे बनेगा? चौंको मत, पानी मैंने गायब किया है। आई हेट वाटर। आइडिया, तुम मेरे लिए फ्रेश जूस बना कर लाओ। मैग्ना मैन, मैं तुमसे दादाजी को छुड़ा के ही रहूंगा। हिम्मत है तो आओ, पकड़ो मुझे। रुद्रा का खेल तो खत्म करना ही होगा। रुद्रा, रुको और फाइट करो। अरे मेरी स्कूटर! आहा!
आई लाइक योर फाइटिंग स्पिरिट रुद्रा, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? ओह, अब समझा। तो तुमने मुझे धोखे से इस जंगल में फंसाया है ताकि मेरे मैग्नेट से कोई चीज चिपक ना सके। दादाजी कहते हैं मुसीबत के समय हिम्मत के साथ साथ अकल से भी काम लेना चाहिए मैग्नामैन। मैंने कहा था ना, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक नहीं करना। इबाइस का मैजिकल बॉल क्रिएटो। मुझे यहां से निकलना होगा। यही सोच रहा था कि सर मैजिस्टिको ने तुम्हें कैद करके पानी में क्यों डाला था। फिर मेरा शक तब पक्का हो गया जब तुमने पैलेस में आई हेट वाटर कहा। बस मुझे तभी पता चल गया कि तुम्हारा अंत पानी के अंदर है। प्लीज रुद्रा, मुझे पानी में नहीं डाला, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। अगर तुम्हें पानी में नहीं जाना है तो दादाजी और सर मैजिस्टिको को अभी आजाद करो। अभी करता हूँ। रुद्रा, तुमने मुझे पानी में डाल के अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। क्या करोगे मैग्नामैन? सर मैजेस्टिको, अब मैं क्या कर सकता हूँ? रुद्रा को तो मैं हरा नहीं पाया, तो आपका सामना क्या करूँगा? मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहा हूँ? तुम अभी जाओगे और लौटकर सबको परेशान करोगे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर पहुँचाना जरूरी है। नहीं नहीं सर मैजिस्टिको, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नदी में मत फेंकिए प्लीज। मैग्ना मैन, अब की बार तुम्हें नदी में नहीं समंदर में फेंकूंगा। तुम बहादुरी नहीं बहुत समझदार भी हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। शैडोज़ है। वाओ।
कितना सुंदर है। क्या सिटी है, मुझे तो आज तक इसके बारे में पता ही नहीं था। सब लोग कितने खुश हैं। मार्केट भी किसी बड़ी सिटी से कम नहीं दिखता। अगर ये सिटी मेरे काबू में आ जाए तो मजा आ जाएगा, और पसंद आ गई तो ये मेरी किंगडम और मैं इनका किंग। थैंक यू अंकल, बाय। ओह, दुकान वाले, कितना सामान फैला रखा है। रोड को थोड़ा चौड़ा करो, मुझे चलने के लिए जगह कम पड़ रही है। ए, तुम सब भी अपना सामान अंदर ले लो, रोड एकदम खाली दिखनी चाहिए। अरे कौन हो तुम जो हम सब पर हुक्म चला रहे हो, हम अपना सामान क्यों हटाएं? मैं इस सिटी का नया किंग हूँ। अब से अपने नए किंग की बात तुम सबको माननी ही पड़ेगी। क्या बोल रहे हो, पहले तो तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं और खुद को किंग भी बना लिया। सन सिटी के बस एक ही किंग हैं, हम सबके दादाजी जय सिंह चौहान। मारो इसे, पता नहीं कहाँ से चला आया। मारो, मारो इसे, मारो, मारो इसे। अरे कर भला तो हो भला, ये सन सिटी पे कौन सी नई मुसीबत आ गई? दादाजी और रुद्रा को बताना होगा। रुद्रा, रुद्रा! मुझे भगाने की कोशिश पूरी हो गई हो तो अब सब कान खोल कर सुन लो। आज से तुम सबको मेरा ही हुक्म मानना है। कोई तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगा, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। चाल चलू मैं ऐसी, कर दूं सब कुछ मंत्र। मैं हूँ शैडो हंटर, कौन रुकेगा मुझे? तुम? हाँ, हाँ? छोटी उम्र में सोच बड़ी रखते हो। शैडो हंटर, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक नहीं करना। बाईस का जबाईस का इबाइस का स्वॉर्ड क्रिएटो। हाँ, 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 हाँ। अब बस करो, मैं और नहीं लड़ सकता। क्योंकि मैं नहीं, वो पीछे वाला तुमसे लड़ेगा। देख लिया मुझसे टकराने वाले का हाल, और जिस जिस को मेरी बात नहीं माननी है वो जा सकता है। चाल चलूं मैं ऐसी, कर दूं सबको छू मंतर। मैं हूं शैडो हंटर। चलो 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 चलो। तुम सब अब मेरे गुलाम हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सब दुकानों के सामान फेंक दो, तोड़ फोड़ मचा दो, मेरा हुक्म मानो। प्यार से बोल रहा था तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अफसोस, शैडो हंटर को अपना मैजिकल हंटर चलाना ही पड़ा। सन सिटी में तोड़फोड़ मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंद करो ये सब, कौन हो तुम? ओफो, फिर से वही सवाल। मैं इस सिटी का नया किंग हूँ, द शैडो हंटर।
तुम इस सिटी के किंग नहीं हो सकते, क्योंकि इस सिटी के किंग इस सिटी के लोग हैं, और कोई यहाँ का किंग है, कोई किसी पर हुक्म नहीं चलाता। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम ही यहाँ के किंग हो, मतलब मेरे दुश्मन। तो लो, बचो मेरे वार से। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ, मैं अभी यहाँ से लौट जाऊंगा। तो माफी मांगते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आज के बाद पलट कर कभी इधर नहीं आना। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। चाल चलूं मैं ऐसी, कर दूं सब कुछ मंत्र। मैं हूँ शैडो हंटर, मैं हूँ शैडो हंटर। जाओ तुम भी सबके साथ सामान हटाओ। ये क्या, इसने तो दादाजी को भी अपने वश में कर लिया। ओ, मुझे कुछ करना होगा। उस शैडो हंटर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको तो मैं उठाकर सन सिटी से बाहर फेंक दूंगी। जंतर मंतर काली कलंतर। मायरा प्लीज, पहले मुझे भागने दो। मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हूँ? मैं वरुण हूँ, जो हर बार तुम्हारे मैजिक का शिकार हो जाता है। सॉरी वरुण, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, अब की बार उसको नहीं छोड़ूंगी। अभी कोई कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले मुझे दादाजी से कांटेक्ट करना है, उनको शैडो हंटर के बारे में अलर्ट करना है। तुम लोग यहीं रुको और मेरी सुरक्षा पर नजर रखना, आज से तुम सब मेरी सेना हो। ध्यान रहे, कोई भी पैलेस के अंदर पहुंचने ना पाए। ये तो यहां भी आ गया। लगता है तुम दोनों घर के केयर टेकर्स हो, जल्दी से मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना बना कर लाओ। जयसिंह का कमरा कौन सा है? बोलो। जयसिंह, पानी टेबल पर रख दो। ये पैलेस कितना बड़ा और खूबसूरत है, अब तो पूरी लाइफ यहाँ ऐश से रहूंगा। दादाजी वहां सब ठीक तो है ना? हाँ रुद्र, यहाँ तो सब ठीक है, तुम कहाँ हो? दादाजी मैं सिटी में ही एक सेफ जगह पर हूँ, हमारी सन सिटी में किसी शैडो हंटर नाम के मैजिशियन ने हमला किया है, वो खुद को सन सिटी का नया किंग बताता घूम रहा है, उससे मेरी फाइट भी हुई है। उससे कहो कि वो आराम से घूम फिर कर आए, मैजिशियन भाग चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रुद्र तुम आराम से घूम फिर कर आना, मैजिशियन भाग चुका है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। दादाजी अब जब सब ठीक है, क्या मैं मायरा वरुण 2-3 दिन के लिए कैंपिंग के लिए जाए?
हाँ हाँ उससे कहो दो दिन क्या चार दिन के लिए जाए। हाँ हाँ दो दिन क्या चार दिन के लिए घूम कर आओ। ओ अच्छा थैंक यू दादाजी, मैं दो चार दिन के कैंपिंग के बाद आपसे मिलता हूँ, बाय बाय। उस रुद्रा को क्या बेवकूफ बनाया मैंने। जब तक वो लौटेगा तब तक मैं पूरी सन सिटी और पैलेस को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। रुद्रा क्या हुआ? हा? कुछ गड़बड़ है? सन सिटी में कुछ भी ठीक ना होते हुए दादाजी ने मुझे ऐसे बाहर जाने की परमिशन कैसे दे दी? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे। फिर अब क्या करेंगे रुद्रा? दादाजी हमेशा कहते हैं दुश्मन से टक्कर लेने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग लाइब्रेरियन अलाजार। रुद्रा क्या हुआ? फिर से शाकाल ने कुछ किया है क्या? शाकाल ने नहीं अलाजार जी, पर शेडो हंटर नाम के एक मजिशियन ने सन सिटी के लोगों को और दादाजी को अपने वश में कर लिया है। हमें शेडो हंटर से रिलेटेड कुछ बुक्स चाहिए थी। अच्छा अच्छा आओ मेरे साथ। इस शेल्फ में तुम्हारी जरूरत की किताबें मिल जाएंगी। इसमें लिखा है शैडो हंटर वो होता है जो दूसरों के शैडो को उनके बॉडी से अलग करके अपने कंट्रोल में कर सकता है। अगर उन शैडोज को उनके बदन से मिला दिया जाए तो वो फिर से नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। रुद्रा इसका मतलब दादाजी के शैडो को भी उस मैजिशियन ने खुद के कंट्रोल में कर लिया है। सिर्फ दादाजी ही नहीं सारे सन सिटी वालों को। बिल्कुल सही जिंदू, अब हमारा सबसे पहला काम है दादाजी और सबकी शैडो को ढूंढना। पहले शैडो का मिलना बहुत जरूरी है। पर रुद्रा हम उसका पता कैसे लगाएंगे? मेरे पास एक प्लान है लेकिन वो हमें ठीक 12 बजे एग्जीक्यूट करना होगा। 12 बजे? ऐसा क्यों रुद्रा? क्योंकि दोपहर के 12 बजे का टाइम ही ऐसा होता है जब सूरज ठीक सर के ऊपर आता है और तब शैडोस नहीं बनती है। उसी समय मुझे शैडो हंटर से फाइट करके उसे हराना है जिससे वो मेरी शैडो को अपने कंट्रोल में ना कर सके। माया वरुण रेडी, तुम दोनों वैसे ही करना जैसे प्लान किया है। ओके रुद्रा। वो देखो रुद्रा आ गया, वो महल में जाने ना पाए। ये शैडो हंटर का ऑर्डर है। पकड़ो मारो मारो पकड़ो। शैडो हंटर। ओ तुम वापस आ गए। लाओ तुम्हारी शैडो को भी तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूं। तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। अंदर चलो जल्दी, दादाजी के शैडो को उनकी बॉडी से मिलाना है। जल्दी से दादाजी को शैडो से मिलाओ। जब तक शैडो हंटर इनकी शैडो को कमांड नहीं देगा ये कुछ नहीं करेंगे। दादाजी के पैरों के नीचे रोलर स्केट्स लगा के इन्हें रोल करके लेके जाते हैं। जंतर मंतर काली कलंतर रोलर स्केट चू। मारो इसे ठीक करो। रुक जाओ वरुण। कर भला तो हो भला, इसका ब्रेक कहाँ है? गड़बड़ हो गई। भागते कहाँ हो रुद्रा? रुद्रा अब कहाँ बच के जाओगे?
चाल चलूं मैं ऐसी, कर दूं सबको छूमंतर। मैं हूं शैडो हंटर, मैं हूं शैडो हंटर। ओहो, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। दोपहर के 12 बजे हैं, सूरज ठीक ऊपर है, शैडो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन 12 के बाद टाइम रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। इबाइस का रोलर स्केट क्रिएटो। वो रही दादाजी की शैडो। थैंक यू मायरा वरुण, थैंक यू। रुद्रा, रुद्रा कहाँ है? वो शैडो हंटर से मुकाबला कर रहा है। रुद्रा, अब तुम खत्म। चाल चलूं मैं ऐसी, कर दूं सबको छुमंतर। मैं हूं शैडो हंटर। रुद्रा, फोकस एंड बिलीव। सोचो तुम्हारी शैडो को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। फोकस एंड बिलीव। मेरा मैजिक फेल नहीं हो सकता। नहीं, मेरा मैजिक फेल नहीं हो सकता। रुको, अभी मैं तुम दोनों की शैडो को कंट्रोल में कर लूंगा। शैडो होगी तो कंट्रोल करोगे ना? डिवाइस का क्लाउड्स क्रिएटो। शैडो हंटर जी, अभी भी हार मान लो। शैडो हंटर कभी हार नहीं मानता। अब
जबाइसका बूम चिक चिक बूम। I'm sorry. अब मैं और किसी को तंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो फिर आगे क्या सोचा है? सोचना क्या है, जहां रुद्रा जैसे बहादुर हो वहां सिटी पर तो क्या किसी भी चीज पर कब्जा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। I'm sorry. हमने सबकी शैडो जोड़कर उन्हें ठीक कर दिया। वेरी गुड मारा वरुण, वेरी गुड, शाबाश रुद्रा, तुमने बड़ी बहादुरी से शैडो हंटर का मुकाबला किया। शाबाश। मैं तुम दोनों को बहुत जरूरी काम दे रहा हूँ। सन सिटी जाकर रुद्रा को पकड़ कर लाओ। ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला। शकाल, मेरे रहते ये काम इन दोनों से क्यों करवा रहे हो? हर बार तो मैं रुद्रा की जासूसी करने जाता हूँ। तुम सिर्फ जासूसी करने लायक ही हो, रुद्रा को कैद करना तुम्हारे बस की बात नहीं। जब भी जाते हो फेल होकर लौटते हो। शाकाल सही कह रहा है सपोला, तुम सिर्फ ओला रे ओला मैं हूँ सपोला ही करते हो, बाकी तुमसे कुछ होता नहीं है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होता तो तुम कौन से बड़े काम के हो। जब देखो जोगा से नहीं होगा, जोगा से नहीं होगा करते रहते हो। तुम दोनों ये अपनी तूतू मैं बंद करो। वैम्पायर बैठ जाओ। चेन की मदद करना और रुद्रा को कैद करके लेकर ही आना। जो हुक्म शाकाल। रुद्रा अब कैसे बचोगे? गोल! ये नो। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, संभल के खेलो। ओह सॉरी रंगीला, ये बॉल भी ना सब इसी की वजह से हुआ। रुद्रा बचाओ। जिबाइसका रुद्रा पुष्टिनो। जिबाइसका। अरे ये चेन कहाँ से आ गई? डोंट वरी दादाजी, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ दो उन्हें। अरे कर भला तो हो भला, मैं भी आ रहा हूँ रुद्रा। रुद्रा अब हम दादाजी को कैसे ढूंढेंगे? ये शाकाल के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता। दादाजी का पता लगाने हमें काल सिटी जाना होगा। सब लोग अलर्ट रहना। वो देखो सोगा, चलो उसका पीछा करते हैं। वाह गर्मा गर्म खाना, वाह क्या बात है। समझ में ही नहीं आ रहा कि दादाजी को बर्थडे में क्या गिफ्ट दे। अरे कर भला तो हो भला, तुम लोगों को जो खरीदना है जल्दी खरीदो, पार्टी आज शाम को ही है, मुझे तैयारी भी करनी है।
जय सिंह की बर्थडे पार्टी हैं? तुम लोग गिफ्ट खरीद कर करोगे क्या, जब जय सिंह सन सिटी में है ही नहीं? क्या बोल रहे हो, दादाजी तो पैलेस में ही है। है नहीं थे, शाकाल ने जय सिंह को पहले से गायब करवा दिया है और कहीं कैद कर दिया है। हाँ अच्छा, दादाजी को शाकाल ने कहीं कैद कर दिया है, तो बताओ कहाँ कैद किया है? हाँ नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं? अरे इसे कुछ नहीं पता, ये शाकाल का मामूली सा नौकर है, वो इसे कुछ नहीं बताता है। मामूली नहीं, मैं शाकाल का राइट हैंड हूँ, मुझे सब पता रहता है। नहीं पता। अच्छा बताओ दादाजी कहाँ है? पता है, वो वोल्केनो माउंटेन्स में किसी वोल्केनो में कैद है। थैंक यू। ओप्स, बता दिया। शाकाल को पता चला तो बहुत नाराज होगा। थैंक यू जोगा, सी यू। रुद्रा, हम वोल्केनो माउंटेन पहुंच तो गए, पर कैसे पता चलेगा कि वो वैम्पायर बैट दादाजी को कहाँ ले गया है? मायरा को समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे माउंटेन्स में हम दादाजी को कैसे ढूंढेंगे। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। 10 मिनट में ये वोल्केनो फटने वाले हैं और तुम्हारे दादाजी इन्हीं में से किसी एक वोल्केनो के अंदर कैद हैं। ढूंढ सको तो ढूंढ लो रुद्रा। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक नहीं करना। अच्छा, रुद्रा काउंटडाउन बिगिंस नाउ। मायरा, वरुण, जल्दी उस वोल्केनो की तरफ चलो, मैंने अभी वहां से वैम्पायर बैट को जाते हुए देखा है। अरे कर भला तो हो भला, मेरे लिए तो रुको। रुद्रा, हम ज्यादा देर वोल्केनो की जमीन पर खड़े रहे तो हमारे फ्लाइंग शूज जल सकते हैं। जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। दादाजी, 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 दादाजी। इस तरह तो हमें दादाजी को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास गिनती के मिनट बचे हैं। हम सबको अलग अलग वोल्केनो में दादाजी को ढूंढना चाहिए। हाँ रुद्रा, ये आइडिया अच्छा है। दादाजी, 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 दादाजी। क्या हुआ रुद्रा, दादाजी नहीं मिले? ढूंढो ढूंढो, घड़ी की सुई किसी के लिए नहीं रुकती। अब बस 8 मिनट बचे हैं, जय सिंह के पास भी और तुम्हारे पास भी। ढूंढो ढूंढो। अकीरा ज़कीरा, इनविजिबल प्रोटेक्शन टनल क्रिएटो। रुद्रा, वो बोल्डर तो अपनी ही तरफ आ रहा है। जल्दी सप्लाई करो। उस तरफ। रुद्रा, ये क्या, ना हम ऊपर जा सकते हैं, ना दाएं, ना बाएं। अरे कर भला तो हो भला। रुद्रा, ये सब क्या हो रहा है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, समझ नहीं आ रहा किधर जाऊं। लगता है शाकाल ने हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल टनल जैसी बना दी है, हम सिर्फ सीधा ही जा सकते हैं और पीछे से वो बोल्डर भी आ रहा है। हमें उसने ट्रैप कर दिया है, लेकिन डरो मत, स्पीड से सामने उड़ते रहो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं इस बोल्डर को रोकती हूँ, तुम सब पीछे हो जाओ। जंतर मंतर काली कलंतर, रुक जा। मुझे तो छुड़ाओ, मायरा के मैजिक ने बोल्डर की जगह मुझे रोक दिया। रुद्रा, सॉरी वरुण। सिबाइश का, सिबाइश का, बूम चक चक बूम।
आगे तो पहाड़ है, हम और आगे नहीं बढ़ सकते। कर भला तो हो भला, अब हमारी खैर नहीं। बोल्डर और इस इनविजिबल टनल के बीच में जरूर थोड़ा गैप होगा, मैं बोल्डर को रोकता हूँ, तुम लोग साइड से निकलने की कोशिश करो। ओके रुद्रा। सिबाइस का बम चिक चिक बूम। तुम लोग बोल्डर और इनविजिबल वॉल के साइड के गैप में से बोल्डर के पीछे निकल जाओ जल्दी। अरे कर भला तो हो भला, अगर हम निकल गए तो तुम्हारा क्या होगा? मैं भी निकल आऊंगा यकीन करो, जल्दी जाओ, मैं ज्यादा देर इसे नहीं रोक सकता। अरे कर भला तो हो भला, मैं तो निकल ही नहीं पा रहा हूँ। निकल गया। अरे वाह, तुम लोग तो इस तरफ निकल आए, पर अब रुद्रा को कौन निकालेगा? अकीरा जकीरा बोल्डर पुष्टिनो। जल्दी जिस रास्ते से नीचे आए हैं उसी से ऊपर उड़ चलो। मैं इसे रोकता हूँ। अरे ये चेन रंगीला को कहाँ ले जा रही है? और कहाँ, जरूर शाकाल के पास, हमें इसका पीछा करना होगा। अरे अरे कर भला तो हो भला, चेन का अत्याचार कम था जो इसको भी बुला लिया। इसे क्यों पकड़ लाए? ओला रे ओला, मैं हूँ सपोला, मुझे ये कान दिया होता तो कब का रुद्रा तुम्हारे कदमों में पड़ा होता शाकाल। घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही होती है। मुर्गी? सच में तुम किसी मुर्गी से कम नहीं, पता नहीं सांप कैसे बन गए। तुम दोनों फिर शुरू हो गए, मुंह बंद करो नहीं तो तुम दोनों की चाल ढाल बदल दूंगा। चैन, छोड़ो उस रंगीला को और जाकर रुद्रा को पकड़ो, ये किसी काम का नहीं है, हमारे लिए एकदम बेकार है, छोड़ो। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती, शाकल तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? एक बार रुद्रा से पूछ कर तो देखो, मेरी कीमत का पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ रंगीला, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बहुत हेल्प कर ली, 5 मिनट में हमने दादाजी को नहीं ढूंढा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मायरा वरुण, हमें अलग अलग वल्कनों में दादाजी को ढूंढना है। दादाजी 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 रुद्रा बच्चों, चीन तुम्हारे पीछे आ रही है। रुद्रा। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। आखिरकार आ गया रुद्रा शाकाल के शिकंजे में। रुद्रा अब बोलो ना अपना फेवरेट डायलॉग, लूदला की उमल और लूदला के जादू पल, कभी शक नहीं करना। क्या हुआ, नहीं बोलोगे? बोलो ना लूदला। ओहो, अब तुम किस मुंह से बोलोगे? दादा पोते की कहानी आज एक साथ इस वोल्केनो के मुंह में समा जाएगी। रुद्रा का इतना बुरा हाल, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी रुद्रा,
प्लीज 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 एक बार अपना डायलॉग बोलो ना। जोगा सपोला क्या लाइन थी वो? रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक नहीं करना। हाँ यही वाला। नहीं बोलोगे? बोलो ना, बोल भी दो। बोलो 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 बोलो। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक नहीं करना। रुद्रा तुम इधर हो तो वो कौन? शकाल वो मैं नहीं, मेरी इमेज है। दादाजी के पास पहुंचने का यही रास्ता था। मैं जब उस वोल्केनो के अंदर गया तो सिबाइस का बूम चिक चिक बूम। इस तरह मैंने दादाजी को ढूंढ लिया। तुम खुद को बहुत बड़ा मजीशियन समझते हो? रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। शकाल तुम अब नहीं बचोगे। पकड़ लो रुद्रा को और खत्म कर डालो। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो। दादाजी अपने रुद्रा पर विश्वास रखिएगा। मैं आपको छुड़ा लूंगा। रुद्रा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। खुद को बचाने के लाले पड़े हैं और दादाजी को बचाने की बात कर रहे हो। बाय बाय रुद्रा, बच सकते हो तो बच के दिखाओ। रुद्रा तुम सच में बहुत बहादुर हो, मुझे फक्र है कि तुम मेरे पोते हो। शकाल तुम मुझे बार बार कुछ बोलने को कह रहे थे, अब मैं बोलूंगा। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। रुद्रा आज की बाजी तुम जीत गए पर मैं हारा भी नहीं। मैं फिर लौटूंगा। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूं शाकाल। चलो यहां से, इससे पहले कि हम इन वोल्केनोस में फंस जाएं।
ये हाय मैं हूँ रुद्रा। मेरा हर एपिसोड जियो सिनेमा पर एंजॉय करो, वो भी फ्री में।